क्लास कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कौन सी क्लास का चैप्टर है हमारा? क्लास ट्वेल्थ का। तो ट्वेल्थ क्लास वाले जल्दी से नोटबुक निकालिए। आज हम बात करेंगे आपके डिटरमिनेंट की, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है क्लास, क्या बात कर रहा हूँ मैं कि सारणी, कोई सी भी हमारी सारणी होती है उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर हम देखते हैं कि किस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, एक हमारा डिटरमिनेंट दे रखा है 2/2 का, एक डिटरमिनेंट दे रखा है हमारा 3/3 का। तो सिंपल सा होता है, देखिए डिटरमिनेंट हमें फर्स्ट है 2/2 का 2, 4, 5, 3। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंट हम किस सिंबल से करते हैं? मोड, इससे करते हैं, डेल्टा से। ये हमारा डेल्टा होता है डिटरमिनेंट का सिंबल। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें किस चीज की निकालनी है? 2/2 की। देखिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 की 3 से करेंगे, 2 3 जा, देखिए सिंपल सा होता है, ऐसे कर देंगे जो हमने मैट्रिक्स में आपको बताया था ए इनवर्स निकालने की एब्जॉइंट। तो सिंपल सा वही तरीका होता है एब्जॉइंट निकालने का। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 2 की 3 से करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 4 5 जा 20। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -k 40। कोई हार्ड है ये? नहीं ना। तो 2/2 का तो बहुत इजी होता है, इसको आप नोट कीजिए। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 3/3 को डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए इसमें दिमाग क्या लगाना पड़ता है कि देखिए हमारी ये कौन सी ये होती है रोज होती है ये, और ये होते हैं हमारे कॉलम। ये हमारे कॉलम है, जो हमारे स्तंभ है वो कॉलम है, और ये क्या है हमारी लाइंस, लाइंस मतलब रो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, देखिए आपको कोई भी समझाएगा नहीं ये बात। अगर कहीं भी हमारे एलिमेंट किसी भी कॉलम या किसी भी लाइन में हमारे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमारे अगर कहीं 2 0 बनना है या एक भी 0 बनना है, तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब कि उसके पदों में प्रसार करना। प्रसार क्या मतलब कि देखिए हमारी ये, देखिए कॉलम 3, देखिए थर्ड लाइन है ना, थर्ड कॉलम है ना, तो देखिए 4 0 0, और ये देखिए A11। सबकी अपना 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 सबका एक वैल्यू होती है कि A11 की वैल्यू क्या है। और मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन आती है कि भाई सीरीज 3 में हमारा क्या आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है A13, ये होता है A23, ये होता है A33। ठीक है, ये देखिए 1 और 3 क्या होता है हमारा, 1 और 3 4, तो ये पॉजिटिव आएगा, और 2 और 3 कितना होता है 5। ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हमारे क्या आएगा, निगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पर 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपेंडेड बाय कॉलम 3। तो देखिए हम 4 से करेंगे ना, तो 4 से करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, और 4 के लिए हमारा ये और ये, तो कितनी इसकी क्या वैल्यू आएगी 2/2 की, -k 1 3 4 1। कोई दिक्कत आ रही है बताओ? नहीं आ रही ना, तो देखिए अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। 2 और 3 क्या होता है हमारा 5, अब 5 हमारा क्या है, निगेटिव। तो 0, और 0 की वैल्यू अगर 0 की हम किसी भी चीज से इंटू करते हैं तो 0 आता है। सिंपल सा इसका आंसर, ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, बस इतना सा सॉल्व करना। और इस वाले देखिए, इस वाली डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 4, अब इसको ऐसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, 1 की इंटू कर लेंगे, 1 से 1 1 जा 1, -k 1, -3 4 जा 12। अब 4, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -k 13। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये चीज समझना, जब यहाँ -k 13 आ जाएगा फ्रेंड्स, 13 और 4 13 4 जा, ये इंटू में इसके 13 4 जा क्या होता है हमारा 52। तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 52। नहीं आया समझ में आपको? देखिए सबसे इजी तरीका यह है कि अगर आपके कहीं 0 बनना है, तो उन वाली जहां हमारी कंडीशन 0 बननी है, जहां पे हमारे 2 0 या 1 0 बनना है, तो उसी रो या उसी कॉलम को हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड। और एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, आप हमारी लास्ट वाली वीडियो में देखना, जिसमें हमने मैट्रिक्स का आपको चैप्टर क्लियर करवाया था, उसमें हमने आपको एब्जॉइंट और एक मोड निकालना सिखाया था। बिल्कुल सिंपल तरीका मोड निकालने का। ठीक है, ये होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। ये हमारा क्या था, डिटरमिनेंट 2/2 का, ये हमारा 3/3 का है, और डिटरमिनेंट का सिंबल आपको पता है क्या होता है, मोड। मोड नहीं, डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा। ठीक है क्लास, आप दोनों को ये चीज समझ में आ गई है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, हम जल्द ही वो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। थैंक यू क्लास।